दरभंगा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर चुनावी मैदान में थे और वो चुनाव जीत गए हैं। दरअसल एनडीए प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल जी ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया था और उनका सीधा मुकाबला था राष्ट्रीय जनता दल के ललित कुमार यादव से। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। अब धीरे धीरे रिजल्ट भी सामने आने लगा है और जीत हार का घोषणा भी शुरू हो गया है। तो सबसे पहले जीतन राम मांझी के बारे में हमने आपको बताया कि गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए हैं। अब दूसरा जो सीट है उस सीट का हम बात करने आए हैं। दूसरा सीट बिहार का दरभंगा है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दरभंगा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर चुनावी मैदान में थे और वो चुनाव जीत गए हैं। दरअसल एनडीए प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल जी ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया था और उनका सीधा मुकाबला था राष्ट्रीय जनता दल के ललित कुमार यादव से। तो गोपाल जी ठाकुर दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। गोपाल जी ठाकुर को 5,66,630 वोट प्राप्त हुआ है, जबकि ललित कुमार यादव को 3,88,474 वोट प्राप्त हुआ है। वहीं दरभंगा लोकसभा से गोपाल जी ठाकुर 1,78,156 वोट से चुनाव जीत गए हैं। यानी दरभंगा लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित गोपाल जी ठाकुर जो चुनावी मैदान में थे वो 1,78,156 वोट से चुनाव जीत गए हैं। और दरभंगा लोकसभा सीट से कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जिन 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे उनका भी हम आपको रिजल्ट काउंटिंग बता रहे हैं कि आखिर उनका क्या कुछ परिणाम आया है, उनके पक्ष में कितने वोट मिले हैं। तो तीसरे नंबर पर सरोज चौधरी थे, जो मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा पार्टी से थे और उन्हें 18,025 वोट प्राप्त हुआ है। उसी तरह से दुर्गानंद महावीर नायक, जो बीएसपी के उम्मीदवार थे बहुजन समाज पार्टी से, उनको भी 8,268 वोट प्राप्त हुआ है। वहीं मिथिलेश महतो हैं, उन्हें 6,992 वोट मिला, जबकि किशोर कुमार दास को 5,721 वोट प्राप्त हुआ। वहीं रजनीश कुमार, जो जनतंत्र आवाज पार्टी से थे, उन्हें 3,638 वोट मिला। रंजीत कुमार राम को 2,532 वोट प्राप्त हुआ। वहीं नोटा को 23,904 वोट मिला है। अब समझ लीजिए कि 23,904 लोगों ने इन 8 प्रत्याशियों को नकार दिया। इन 8 प्रत्याशियों में कोई भी इन 23,904 लोगों को पसंद नहीं थे जिन्होंने नोटा दबाया, यानी उन लोगों ने नोटा को पसंद किया है। इस प्रकार से दरभंगा लोकसभा सीट से गोपाल जी ठाकुर, जो एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए और गोपाल जी ठाकुर 1,78,156 वोट से चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और इन्हें कुल 5,66,630 वोट प्राप्त हुआ, जबकि जे इनके प्रतिद्वंदी ललित कुमार यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, और उन्हें 3,88,474 वोट मिला। इस तरह से गोपाल जी ठाकुर 1,78,156 वोट से चुनाव जीत गए हैं। तो लगातार अभी काउंटिंग चल रहा है, धीरे धीरे अब रिजल्ट सामने आ रहा है, तो हम लगातार आप तक रिजल्ट बता रहे हैं कि आखिर किस सीट से कौन प्रत्याशी विजयी घोषित हो रहे हैं, कौन उपविजेता बन रहे हैं, कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा।